तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सबसे पहले बॉयल्स लॉ आपको पता है, चार्ल्स लॉ पता है, सारे लॉज पता है। और एक चीज़ सुन लो, पूरे चैप्टर में फिर कन्फ्यूजन होने वाली है कैपिटल आर को लेके। कैपिटल आर क्या होता है? पी वी इक्वल टू एन आर टी, आर इक्वल टू पी वी बाई एन इन टू टी। प्रेशर इंटू वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन वर्क डन देता है आपको, तो इसकी जगह वर्क डन, वर्क डन के यूनिट जूल होते हैं, टेम्परेचर के कैलविन और एन के मोल्स। तो आर के यूनिट्स क्या हैं? जूल पर कैलविन पर मोल, और या फिर कभी कभी जूल की जगह कैलोरीज भी यूज की जा सकती हैं। तो याद रखना, अगर आपके यूनिट्स जूल में हैं आर के, फिर तो आर की वैल्यू 8.31 होगी, और अगर कैलोरीज में है तो फिर इसको जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा फोर्स डिवाइड करके, तो 1.98 या फिर 2 यूज करेंगे। तो ये भी मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में सिखाते होंगे, नहीं तो मैंने आपको बता दिया जूल में इतनी कैलोरी में इतनी, क्योंकि हम तो यूज करते रहेंगे जूल और कैलोरी में कन्वर्जन। तो यहां पर भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कब 2 यूज करनी है और कब 8.31। और स्पेशली मासेस का तो बहुत ध्यान रखना है, छोटा एम है या बड़ा एम है। छोटा एम मॉलिक्यूल है, बड़ा एम गैस का मॉलिक्यूलर मास है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1 है, एज एन एयर बबल राइजेज फ्रॉम बॉटम ऑफ द लेक टू द सरफेस, वॉल्यूम डबल हो गया, वॉल्यूम गेट्स डबल्ड, फाइंड डेप्थ ऑफ द लेक। और प्रेशर आपको एटमोस्फेरिक गिवन है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। एक बात बताओ, नीचे वॉल्यूम कम था क्योंकि प्रेशर ज्यादा था, ऊपर आते 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 क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो वॉल्यूम कितना हो गया, डबल। तो प्रेशर इसका मतलब कितना हो गया, हाफ, क्योंकि पी इंटू वी इज अ कॉन्स्टेंट। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, अगर अगर मान लो प्रेशर की वैल्यू ऊपर 1 है तो नीचे ज्यादा रहा होगा, कितना, डबल, कितना, 2 एटमोस्फेरिक। तो आपको हाइट बतानी है उस बबल की कितनी है, तो 2 एटमोस्फेरिक में जब नीचे जाएंगे 1 एटमोस्फेरिक, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर है और बाकी बचा हुआ पानी का प्रेशर है बबल के ऊपर, एच रो जी। ठीक हो गया, 2 में से 1 तो एटमोस्फेरिक हो गया, ठीक, डेप्थ पे, और बाकी एच रो जी। तो यानी कि पानी का प्रेशर कितना है, 1 एटमोस्फेरिक, और पानी का प्रेशर है कितना, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। इसको ठीक तरह करके लिखेंगे तो 76 इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी, और पानी का, पानी के अकॉर्डिंगली प्रेशर है कितना, एच रो जी, और पानी की डेंसिटी क्या होती है, 1, सॉल्व करके एच की वैल्यू आ जाएगी आंसर। तो पहले 1 एटमोस्फेरिक को मरकरी की फॉर्म में लिख लिया और पानी के प्रेशर को एच रो जी लिख लिया, वहां से एच कैन बी कैलकुलेटेड। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? जैसे बैलून पार्शियली फिल्ड विद हीलियम, एक बैलून में हीलियम है एंड वॉल्यूम गिवन है और प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है। एक बैलून में क्या है, गैस है, गैस का प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम पता है। व्हाट विल बी द इंक्रीज इन वॉल्यूम अगर बैलून ऊपर चला गया, राइज कर गया, जब प्रेशर 7.6 सेंटीमीटर हो गया और टेम्परेचर इतना हो गया? तो मतलब बेसिकली क्या किया, वॉल्यूम पता है पहले, प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, बाद में प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम निकालना है। तो आप केमिस्ट्री जानते ही हैं, पी वी बाई टी इज अ कॉन्स्टेंट, तो पी इंटू वी बाई टी इज अ कॉन्स्टेंट लगा के यहाँ से नया वॉल्यूम निकाल लें। पहले वॉल्यूम वी वन था, नया वॉल्यूम वी टू है, चेंज इन वॉल्यूम कितना है, दोनों को माइनस करके चेंज इन वॉल्यूम। बैलून कुछ नहीं है, गैस के ऊपर इक्वेशन पे काम चल रहा है, पी वी टी पी वी टी। तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसका फिजिक्स से लेना देना है ही नहीं। समझ में आ रहा है यहां तक? जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए स्टेटमेंट से नहीं समझ में आएगा, यह क्वेश्चन डायग्राम से समझ में आएगा। यह देखो, एक ट्यूब है, ध्यान आगे, एक ट्यूब है, एक ट्यूब के अंदर यहां पर एयर है, एयर है, और यहां पर मरकरी है, मरकरी 15 सेंटीमीटर की, और नीचे एयर है, ठीक है, नीचे एयर फंसी हुई है, यहां से एटमोस्फेरिक प्रेशर है पी, तो इक्विलिब्रियम में है, ये डायग्राम गिवन है। आपने ट्यूब को उल्टा कर दिया, पहले ये ओपन है, ओपन एंड ऊपर है, ओपन एंड नीचे हो गया, उल्टा इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्ट करने पे ये मरकरी नीचे चली गई, एयर बीच में फंसी हुई है 45 सेंटीमीटर, मरकरी की हाइट अभी भी 15 है, अब एटमोस्फेरिक प्रेशर ऊपर से लग रहा है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इसमें भी, इसमें भी, ठीक, दो केस क्लियर है। पहले
यहां पे एयर है, अब इसके अंदर एयर है, मरकरी हिल गई, मरकरी पहले यहां पे थी, अब मरकरी यहां पे आ गई। आपको क्वेश्चन में एटमोस्फेरिक प्रेशर निकालना है क्या है। इस टाइप की प्रॉब्लम एक नई प्रॉब्लम है आपके लिए, तो इसको करने के लिए आपको ना कुछ प्रेशर के कॉन्सेप्ट देखने हैं। देखो इसके अंदर सबसे पहले अगर आप इस डायग्राम को देखें, एटमोस्फेरिक प्रेशर कहां ऐड कर रहा है, नीचे दबा रहे है इसे। मरकरी भी एयर को दबा रही अपने वेट से, तो मरकरी का प्रेशर जो है, जो मरकरी है, मरकरी का प्रेशर 15 सेंटीमीटर का जो भी होगा, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर पी है, मरकरी का प्रेशर कितना है 15 है। दिस मस्ट बी बैलेंस्ड बाय एयर का प्रेशर, एयर का प्रेशर कितना है P1 है। एयर ने रोक के रखना है मरकरी को और एटमोस्फेयर को, इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं सेम सिचुएशन यहां लगाऊं, इस सिचुएशन में एटमोस्फेरिक प्रेशर ऊपर एक्ट कर रहा है कितना पी, और मरकरी का वेट नीचे एक्ट कर रहा है कितना 15, एयर का प्रेशर भी नीचे एक्ट कर रहा है कितना P2, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन बनती है। मतलब कुछ नहीं, ऊपर और नीचे के प्रेशर को हमने बैलेंस कर देना है। तो पहली इक्वेशन क्या है, एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस मरकरी का वेट नीचे है, इसका प्रेशर इज बैलेंस बाय एयर का प्रेशर P1। इस केस में एटमोस्फेरिक प्रेशर इज बैलेंस बाय मरकरी का प्रेशर प्लस एयर का प्रेशर। तो ये लो क्वेश्चन यही है कि अ नैरो कोई ग्लास ट्यूब है, कंटेन्स 15 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ मरकरी, मरकरी 15 सेंटीमीटर की है, ट्यूब इज वर्टिकल विद द ओपन एंड अपर मोस्ट, तो ट्यूब को सीधा रखा हुआ है, एयर कॉलम 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और जब उल्टा कर दिया तो एयर कॉलम 45 सेंटीमीटर लॉन्ग है। वही तो वो कह रहा है, सीधा रखा तो 30 सेंटीमीटर एयर कॉलम है, उल्टा रखा तो 45 सेंटीमीटर एयर कॉलम है, एटमोस्फेरिक प्रेशर निकालो। इसमें सारी गेम किस पे चल रही है, एयर पे, एयर दब रही है, पहले 30 से 45 पे हो गई, एक्सपेंशन हो रहा है। आप केमिस्ट्री की इक्वेशन लगाएं प्रेशर और वॉल्यूम का, P into V इज अ कॉन्स्टेंट, तो पहले P1 एयर का प्रेशर कितना है P+15, और वॉल्यूम कितना है यहां पे इसका, एरिया मान लो क्रॉस सेक्शन का A है, A into 30 इसका एयर का वॉल्यूम है, तो एयर का वॉल्यूम A into 30। फिर हमने क्या किया, दूसरे केस में P2 निकाल लिया, P2 को पुट किया, और वॉल्यूम कितना हो गया एयर का A into 45, क्योंकि 45 सेंटीमीटर एयर है, यहां पे 45 सेंटीमीटर की एयर है, तो एरिया इंटू 45 वॉल्यूम आ गया। तो बस यहां से सॉल्व करके P की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। आने की प्रोबेबिलिटी कम है इस क्वेश्चन की, वैसे कम आती है, बट हाँ ये क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि टेस्ट ट्यूब में अगर ये ऊपर नीचे करता है तो कॉन्सेप्ट कैसा लगता है, बस ये पता होना चाहिए। और लास्ट इसमें अ वेसल ये आता है जिसका वॉल्यूम गिवन है, कंटेन्स आइडल गैस एट 300 केल्विन एंड 200 किलो पास्कल, तो आपको क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है और टेम्परेचर गिवन है और प्रेशर गिवन है। गैस इज अलाउड टू लीक, गैस लीक हो गई, कंटेनर उतना ही है, बस मॉलिक्यूल फैल जाएंगे थोड़े, गैस लीक हो गई, तो प्रेशर गिर गया 125 हो गया, तो कितनी गैस लीक हो गई ये बताओ, नंबर ऑफ मोल्स कितने चेंज हो गए ये बता दो। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, PV/RT, चेंज तो सिर्फ प्रेशर ही हो रहा है ना, तो गैस का टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना कंटेनर का वॉल्यूम चेंज हो रहा है। दूसरे केस में P2, तो यहां से P1 पता है, P2 पता है, वॉल्यूम पता है, R पता है, T पता है, चेंज इन मोल्स आ जाएंगे आपके पास, इतनी गैस क्या हो गई, लीक हो जाएगी। केमिस्ट्री बेस्ड प्रॉब्लम है।